नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल एवं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला चिकित्सालय उमरिया पहुंचकर आज उमरिया के घकरी नाका के पास हुई बस दुर्घटना में मृतक व्यक्तियों के परिजनों एवं घायलों से मुलाकात कर उनसे चर्चा की, उनकी कुशल क्षेम पूछी। चिकित्सकों को निर्देश कि घायलों का समुचित उपचार किया जाए और उन्हें बेहतर से बेहतर उपचार मुहैया कराया जाए। न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। स्वागत का कार्यक्रम नहीं होगा, अभी गवर्नर साहब और मैं अस्पताल से आ रहे हैं। एक बस मोटरसाइकिल सामने आने के कारण पलट गई थी, तो उसके कारण जो मोटरसाइकिल में जो दो साथी थे वो बस के नीचे आए थे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है और इसलिए कोई भी स्वागत का कार्यक्रम इस समय उचित नहीं है। लेकिन ये कार्यक्रम चूंकि 2,22,000 लोगों को रोजगार देने का है, यहाँ से रोजगार दिवस है 2,22,000, और यहीं से आज MSME की सैकड़ों जो इकाइयां हैं उनके खाते में भी पैसा डाला जाना है, कई और हितग्राहियों को हमको लाभान्वित करना है। इसलिए गवर्नर साहब हम सब ने मिलकर तय किया कि जनता के जो काम हैं वो काम रुकने नहीं चाहिए, वो सारे काम हम यहाँ पूरा करेंगे। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं और हमने तय किया कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो साथी नहीं रहे उनके परिवार को 10,00,000 रुपए की राहत की राशि दी जाएगी। एक सांस की सेवा में उनके परिवार का सदस्य पात्रता के अनुसार लिया जाएगा। घायल अभी ठीक है, हम लोग देख के आए हैं, उनके संपूर्ण उपचार की निशुल्क व्यवस्था की जाएगी। जो गंभीर घायल है उनको 50,000 रुपया अलग से दिए जाएंगे। जो साधारण घायल है बैठे हैं उनसे बातचीत करके आए उनको भी 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। संकट की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ अंतर आत्मा से खड़े हैं, उन परिवारों के साथ है और उनकी भलाई और कल्याण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।